भारी बारिश और फसलों पर लगे रोग के कारण नागपुर जिले के ग्रामीण इलाकों में फसलों को भारी नुकसान हुआ है। राजस्व पशुपालन एवं डेयरी विकास मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटिल ने शनिवार को बांध का निरीक्षण किया। अकोला में अपना निर्धारित कार्यक्रम पूरा करने के बाद उन्होंने दोपहर में नागपुर जिले के कोंढाली, काचोल, पवनवाड़ी, पारत सिंघा के प्रभावित इलाकों का दौरा किया। सितंबर महीने में बादल फटने जैसी बारिश से नागपुर जिले में बड़ी मात्रा में खेती को नुकसान हुआ है। इससे पहले राहत एवं पुनर्वास मंत्री अनिल पाटिल, कृषि मंत्री धनंजय मुंडे ने जिले का दौरा किया था। शनिवार को राजस्व मंत्री ने ग्रामीण इलाकों का दौरा कर नुकसान का जायजा लिया। जिले में मुख्य रूप से सोयाबीन की फसल को बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। सभी जगह किसानों ने राजस्व मंत्री को सोयाबीन में येलो मोजेक वायरस बीमारी से होने वाले नुकसान की जानकारी दी। उन्होंने किसानों से कीट नियंत्रण के लिए उचित उपाय करने के संबंध में चर्चा की। इस अवसर पर उन्होंने जिले में हुई क्षति का पंचनामा सुनिश्चित कराया। उन्होंने यह भी कहा कि पंचनामा यदि कोई हो पूरा किया जाएगा। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहन के साथ अभिषेक पांसी, BCN न्यूज नागपुर।